से आदरणीय श्री महात्मा जी ने आपके समक्ष सारी बातों में जिक्र किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह आज की हकीकत है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र एक वक्त में आज से 50 वर्ष पहले आज के ही दिन रात को इमरजेंसी लगा करके समाप्त कर दिया था। और आज इस संदर्भ में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हमको कहने का अभिप्राय यह बनता है, जो हमारे कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग जो लोकतंत्र खतरे में है इन बातों का जिक्र करते हैं, जो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं संविधान खतरे में है। लेकिन हकीकत उनको इस बात को याद दिलाने के लिए अवसर आज का है कि अगर हकीकत में लोकतंत्र अगर खत्म करने की दिशा में अगर प्रयास हुए थे, प्रयत्न हुए थे, तो कांग्रेस की उस वक्त केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस के लोग, कुर्सी के लिए कांग्रेस के लोग किस हद तक जा सकते हैं। यह हकीकत है कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी 1971 में जब चुनाव उन्होंने जीता था, सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ थी। लेकिन विचित्र परिस्थिति तब आई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया उनके चुनाव के मुताबिक जिसका जिक्र किया, और ये बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त देश पर। और स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो जाए और 6 वर्ष के लिए उनको जो है वो चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए, ये बहुत बड़ी घटना उस वक्त थी। और ऐसे हालात में कुर्सी हाथ से निकलते देख करके, सत्ता हाथ से निकलते देख करके इंदिरा गांधी ने एक ही फैसला किया, रात के 12 बजे देश के राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि आप तत्काल बैठक है वो दूसरे दिन बुलाई गई, लेकिन उससे पहले आपातकाल लागू कर दिया गया। और रातों रात पूरे जो जितने भी विपक्ष के जो लोग थे, जनसंघ उस वक्त हुआ करता था, हमारी पार्टी तो जनसंघ के रूप में थी, तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी भी दल जितने भी थे जो विपक्ष में थे, उन सभी दलों के नेताओं को रातों रात उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। चाहे अटल जी हैं, चाहे अडवाणी जी हैं, यहां तक के लालू यादव जी भी। और लगभग 1.5 लाख लोग जो है पूरे देश भर में जो है जेल की सलाखों के लिए के पीछे भेज दिए गए। कोई वजह नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। और संविधान में इतने सारे परिवर्तन कर दिए सारी व्यवस्थाओं को जो है वो तहस नहस करने के लिए, ताकि इफेक्टिव कंट्रोल उनके हाथ में रहे, कोई प्रश्न खड़ा ना कर सके, उस तरह के हालात पैदा किए गए। और जेल में जो हमारे नेता लोग गए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक गए, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया, इस बात का जिक्र यहां पर श्रेष्ठ महात्मा जी ने, जो स्वयं अपने आप जो इस दौर में से गुजरे हुए, उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि आजाद भारत के इतिहास में ये काला दिवस जिसको हम बोलते हैं आपातकाल का, कांग्रेस इस बात को भूल रही है, उल्टा हम पर इल्जाम लगा करके, कल लोकसभा के अंदर हम देख रहे थे कि पहला दिन था और लोकसभा के अंदर आकर के संविधान दिखाया जा रहा था,
जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान का गला घोट दिया। लोकसभा के अंदर लोकतंत्र को लेकर के बातें की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। इस चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, चाहे खड़गे की बात करें, हम जिसकी भी बात करें, उनने इस बात को लेकर के कितना प्रचार किया, संविधान खतरे में है। अगर 400 पार हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट देश के सामने होगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में होगा, लोकतंत्र खतरे में होगा। ये सारी बातों का जिक्र एक बार नहीं, अनेक मंच से किया हमने। लेकिन हकीकत यह है कि अगर देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ तो यह कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही नेता इंदिरा गांधी उसको लागू करने वाली थी। पूरा मीडिया उस वक्त सेंसर कर दिया गया था और कुछ अखबारों ने तो खाली अपना नाम छाप करके, ओपनर अखबार का नाम छाप करके जो है वो खाली पेज जो है वो वितरित किए थे उसको, क्योंकि छापने की अनुमति तो थी नहीं। और छपेगा वही जो एक एक जो है जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक एक लाइन का एक एक शब्द जो है वो सरकार के मुताबिक होगा। सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता था, सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द लिख नहीं सकता था, ये हालात थे। लेकिन उस हालात में आप देखिए कि देश के अंदर इस तरह के आंदोलन ने जन्म लिया, और उस आंदोलन में से एक परिस्थिति ऐसी बनी कि जब 1977 में जब चुनाव के लिए इंदिरा गांधी को लगा कि हो सकता है कि अब हम जीत जाए, क्योंकि हमने जिसको दबाना था, जितना जिन नेताओं की जेब की सलाखों के पीछे डालना तो वो डाल दिए, और उनको लगता था कि पूरे देश भर में अब विपक्ष नाम की कोई चीज रही नहीं, और इसलिए अगर चुनाव करा देते हैं तो हम दबाव में चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन 1977 में चुनाव हुआ, बहुत सारे दल इकट्ठा हुए जनता पार्टी के नाम से पूरे देश भर में, और उस आंदोलन के पश्चात वो जो चुनाव का परिणाम जब आया तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई, जिसका जिक्र यहां पर सुरेश भारद्वाज जी कर रहे थे। इंदिरा गांधी भी स्वयं हार गई और संजय गांधी भी चुनाव हार गई। लेकिन यह परिस्थिति आज हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम चाहे आज आजाद भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, इस बात को याद रखे कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा भी दौर देखा है जब लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तय किया कि एमरजेंसी के 50 वर्ष ये याद दिलाने का अवसर है। ये उन कांग्रेस के नेताओं को जो विपक्ष के नेता जो आज चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं ये लोकतंत्र खतरे में। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बहुत बहुत बड़ी बहुमत के साथ हमारा एनडीए गठबंधन जीता है, और इंडिया गठबंधन की सीटें उतनी नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की अकेले की आई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र को सम्मान करते हुए आज मैं देख रहा था अभी कि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, पूरे देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दिया गया, अन्यथा जिसका बहुमत होता था लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि वो किसी दल का नहीं रह जाता है, वो पूरे सदन का होता है, सभी दलों का हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव हो रहे जा रहा है, और कल 11 बजे मतदान, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी उन्हें कैंडिडेट दिए। इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। लेकिन फिर भी आरोप यही कहा जा रहा है, यही बात कहने की कोशिश हो रही है
कि लोकतंत्र खतरे में, खतरे में है निश्चित रूप से, लेकिन खतरे में कौन है? विपक्ष खतरे में। और जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जिन लोगों ने जिस प्रकार से और जिस प्रकार से उस वक्त अत्याचार हुए, ये विचित्र परिस्थिति थी पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने। और नस्पति का जिसका जिक्र कर रहे थे, वो तो इतना विचित्र फैसला था उस सरकार का जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस दौर को हमको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। 50 वर्ष बीतने के बावजूद भी, और आज हमको भी और आने वाले समय में हमारी जनरेशन को भी इस बात को याद रखना चाहिए। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ये देश के इतिहास में पहली बार कोई एक व्यक्ति की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ये हमारे लिए खुशी का विषय है। सब कुछ कर लिया, सब कुछ जो भी कर सकते थे, और कितना जिस तरह से एक माहौल इस चुनाव में खड़ा करने की कोशिश की, संविधान समाप्त हो जाएगा, हमारे ट्राइबल के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इस तरह का दहशत का माहौल खड़ा कर दिया गया कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो आपकी सारी सुविधाएं वापिस हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए सारी बातें की गई। और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक छोटा सा फैसला किया, और वो फैसला यह किया कि जिन लोगों ने 1919 महीने जेल की सलाखों के पीछे इस इमरजेंसी के दौर में वक्त काटा हो, यातनाएं सहन की हो, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य मर गए, लेकिन उसके बावजूद उनको घर जाने की अनुमति नहीं हो पाई। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं जब उनकी माता जी का देहांत हुआ, उन्होंने इजाजत मांगी, वो जेल में थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली जाने की, उनके अंतिम संस्कार में भी वो जा नहीं सके। इन बातों को देश कैसे भूल सकता है? और ऐसे अनेकों जितने भी जो लोग जो है वो उस वक्त गिरफ्तार हुए पड़े थे, उनके परिवार के किसी सदस्य की अगर दुखद मृत्यु हो जाती थी, तो परिवार के उस जो है जो हमारा पारिवारिक कार्यक्रम होता है हमारी संस्कृति के मुताबिक, उसमें भी जाने की अनुमति नहीं। और आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आज लोकतंत्र को हमको समझा रहे हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग कितने हैं जो जीवित हैं, जो इमरजेंसी के उस दौर में जेल में थे, तो बहुत कम संख्या बनी, 90 से भी कम संख्या बनी थी। हमने कहा कि उनको लोकतंत्र प्रहरी करके एक स्कीम हमने बनाई कि इनके लिए कुछ राशि देनी चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, और उसमें हमने थोड़ा पैसा उसमें दे करके उनके मदद करने की कोशिश की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले काम बंद किया, तो उस एक्ट को ही समाप्त कर दिया, उस कानून को ही समाप्त कर दिया, उस योजना को ही बंद कर दिया। लेकिन हमारे कुछ साथी जो है जो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने फैसला उनके अगेंस्ट, राज्यपाल के यहां पर जाकर के मुख्यमंत्री कहने लगे कि इसको बंद करना चाहिए। राज्यपाल जी ने कहा कि मुझे लगता चाहिए इस निर्णय पर विचार करना चाहिए, ये आप बंद करने के जो फैसला किए हुए हैं इस एक्ट को समाप्त करके, ये उचित नहीं है, उन्हें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और अंततः गतवा जाकर के हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद अब मुझे मालूम नहीं है वो राशि दे रहे हैं कि नहीं, जो हम लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कि राशि जो हम तय किए थे वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटना है। और आज हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल देख रहे हैं, 16 महीने 17 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन क्या अनार्की फैली है चारों तरफ। लोकतंत्र है, आप जो बोल सकते हैं आप बोलिए, लेकिन ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी
कि जो लोकतंत्र में विश्वास न करके चुने हुए प्रतिनिधियों के घर को उखाड़ने के लिए बुलडोजर देती है, उनके रास्ते को बंद करने के लिए दीवारें खड़ी करती है और कानून व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार बन गई हिमाचल प्रदेश में, जो विधानसभा का सदस्य रहा, विधायक रहा, वो संलिप्त है गुंडों को हायर करने के लिए पंजाब से। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोर्ट के परिसर में बिलासपुर में गोलियां चली और उसमें जो मुख्य आरोपी है वो एक पूर्व विधायक का पुत्र है, जो आज भी अभी तक जो है वो पकड़ा नहीं गया है, वो एब्सकॉन्डिंग है। सरकार कांग्रेस की है और पूरा संरक्षण दे रही है पूर्व विधायक को भी, उसके परिवार को भी। पुलिस के चार चार जवान वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए लगाते रखे, ये विचित्र परिस्थिति है। लेकिन भाई और बहनों, मैं सब आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी के उस दौर को हम कभी ना भूलें और हमारी आने वाली जनरेशन भी इस बात को याद रखे, स्मरण रखे, ये बहुत आवश्यक है, ताकि देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी भी घटना घटित हुई थी, ये याद रहना चाहिए। इसलिए इसका बहुत बड़ा उस दृष्टि से हमारे लिए महत्व है। 50 वर्ष बीतने के बाद हमारा दायित्व तो है लोगों तक इस विषय को पहुंचाने का, और आज के इस कार्यक्रम में आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि आओ इस कार्य दिवस के अवसर पर जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो लोकतंत्र की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि आईना दिखाना चाहिए। और आप सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से हम यही प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश में हम 4 सीटों पर जीते, 68 में से 61 सीटों पर जीते, 4 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए आप सबका बहुमूल्य योगदान जो रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।